प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के किस प्रधानमंत्री ने 16 मार्च 2021 को भारत और फिनलैंड के बीच वर्चुअल शिखर बैठक में भाग लिया। ऑप्शन नंबर एक जीन कैस्टेक्स, दो सना मरीन, तीन बोरिस जॉनसन, चार ग्यूसेप कोते। सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो सना मरीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन ने भारत और फिनलैंड के बीच वर्चुअल शिखर बैठक में भाग लिया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण परिदृश्य पर चर्चा की और वैश्विक और क्षेत्रों के मुद्दों पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। हाल ही में स्वीकृत चिकित्सकीय गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 के अनुसार कितने सप्ताह के बाद गर्भपात के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय आवश्यक है। ऑप्शन नंबर एक 21 सप्ताह, दो 22 सप्ताह, तीन 23 सप्ताह, चार 24 सप्ताह। सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार 24 सप्ताह। नए बिल के अनुसार एक डॉक्टर की सलाह पर 20 सप्ताह तक का गर्भपात किया जा सकता है और 20 से 24 सप्ताह के बीच की कुछ महिलाओं की श्रेणी में गर्भपात के लिए दो डॉक्टरों की राय की आवश्यकता होती है। नए बिल के अनुसार कुछ असामान्य मामलों में 24 सप्ताह के बाद गर्भपात के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय आवश्यक है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2021 के लिए विषय क्या है? ऑप्शन नंबर एक वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर, दो वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, तीन वैक्सीन्स वर्क, चार प्रोटेक्टेड टुगेदर वैक्सीन्स वर्क। सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हर साल विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2021 का विषय है वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG, उत्तर प्रदेश जल निगम और अन्य ने UP के किस जिले में STP के विकास के लिए त्रिपक्षीय सहमति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर एक मुरादाबाद, दो बिजनौर, तीन मेरठ, चार गाजियाबाद। सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक मुरादाबाद। मुरादाबाद में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास का अनुबंध कुल 99.68 करोड़ रुपए की लागत पर दिया गया है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG ने पहले ही 25 मिलियन लीटर प्रतिदिन MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण की परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना का उद्देश्य रामगंगा में सीवेज प्रदूषण की देखभाल करना भी है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने 17 मार्च 2021 को इंडिया केम 2021 के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर एक 12वें संस्करण, दो 11वें संस्करण, तीन 14वें संस्करण, चार 16वें संस्करण। सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो 11वें संस्करण। यह रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग और फिक्की द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इंडिया केम 2021 का विषय भारत रसायन एवं पेट्रोकेमिकल के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है। हाल ही में कैबिनेट ने किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम CPSE को बंद करने की मंजूरी दी? ऑप्शन नंबर एक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, दो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तीन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, चार हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घाटे में चल रहे हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दे दी है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। यह भारत से हस्तशिल्प हथकरघा उत्पादों खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों के निर्यात के लिए जिम्मेदार है। HHEC कपड़ा मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम CPSE है। हाल ही में ICC ने मैच फिक्सिंग के आरोप में UAE के किस क्रिकेटर को 8 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया? एक मोहम्मद नावेद, दो शमीन अनवर बतीन, एक और दो दोनों चार अहमद रजा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन मोहम्मद नावेद और शमीन अनवर बट, एक और दो दोनों। मोहम्मद नावेद और शमीन अनवर बट ने 2019 में T20 विश्व कप क्वालिफाई में मैच फिक्स करने का प्रयास किया था। दोनों क्रिकेटरों को ICC कोड अनुच्छेद 2.11 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। नावेद को UAE क्रिकेट बोर्डों के भ्रष्टाचार निरोधी संहिता के उल्लंघन का भी दोषी पाया गया है। मायोन 2021 प्रदर्शनी किस राज्य में आयोजित की जा रही है? ऑप्शन नंबर एक राजस्थान, दो नागालैंड, तीन मणिपुर, चार मेघालय। सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन मणिपुर। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में वैश्विक मानकों के स्थानीय उत्पादों के लिए एक प्रदर्शनी मायोन 2021 का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत किया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितने करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान DFI स्थापित करने के लिए बिल को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन नंबर एक 10,000, दो 20,000, तीन 30,000, चार 40,000। सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो 20,000।
इस विधेयक को वर्तमान बजट सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा। DFI भारत में अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक धन जुटाएगा। DFI अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों या उपक्षेत्रों को विकास वित्त प्रदान करने के लिए एक संस्थान है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम पहला DFI था। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है? ऑप्शन नंबर 1 गाजियाबाद, 2 ढाका, 3 दिल्ली, 4 बुलंदशहर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। 2020 में यह दुनिया का 10वां सबसे प्रदूषित शहर और सबसे प्रदूषित राजधानी है। ढाका दुनिया की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी है। सबसे प्रदूषित शहरों की रैंकिंग में भारत के 22 शहर शीर्ष 30 में हैं। गाजियाबाद और बुलंदशहर दुनिया के दूसरे और तीसरे सबसे प्रदूषित शहर हैं।